नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो जिस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न है यहाँ पर, अब क्यूब रूट लगा दिया है यानी कि घनमूल लगा है, 4 सही 12 बटे 125 को सरल कीजिए। तो पहले तो हमें जो बटे में दिया गया है तो उसको हमें तोड़ना है। यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ हमने किया 125 का, जब 4 बार गुणा करेंगे तो 500 होता है, तो 12 उसमें जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 512। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले और इस बगल वाले का पहले गुणा करते हैं। तो 125 का जब 4 में किया तो आया 500 यानी इसका गुणा, और इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब जितना आया 125 गुणा 4 आया था 500, जिसमें 12 जुड़ के क्या हो गया, 512। और नीचे क्या बचेगा, नीचे जो है वही लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 के पावर लगे यानी ये घनमूल है, तो हमें 3 की संख्या में गुणनखंड निकाल ले हैं। 512 के गुणनखंड क्या होते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8, और 125 के क्या होते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पर 3 जब लगा हुआ है तो हमें 3 के ही जोड़े बनाने हैं। तो ऊपर से क्या निकलेगा, 8, और नीचे से क्या निकलेगा, 5। यानी या तो इसका आंसर 8/5 दे सकते हैं, और ज़्यादा है तो डिवाइड कर दें, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, दशमलव लगाएंगे क्योंकि 3 बचा है, 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो 1.6 यानी इसका आंसर 1.6 आ गया, ठीक है। तो यह घनमूल वाला सवाल था, घनमूल में हमेशा 3 के ही जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।